अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग मोटिवेशनल एसएचएफ एंड नाउ आई एम हियर टू टेल यू अबाउट हाउ टू स्टडी चैप्टर नंबर 36 ऑफ गाइटन। ब्लड के टॉपिक्स हैं ब्लड टाइप्स एंड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसमें से मैं आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि आपने क्या कुछ यहाँ से याद करना है और कहाँ क्या कुछ जो है वो अपने दूसरी बुक से याद करना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ब्लड के 5 चैप्टर हैं ऑलमोस्ट, तो ये आपने सारे चैप्टर्स जो हैं वो गाइडेंस से एक दफ़ा गो थ्रू जरूर करने हैं। चैप्टर नंबर 33 एंड चैप्टर नंबर 34, 36, 37 ये आपने गाइडेंस से करने हैं, बाकी आप फिर दोस्त से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा एक दफ़ा रीड आउट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद करना है। ये सारी जो है एग्लूटिनेशन, ये 3 एलील्स याद रखनी है कौन कौन सी हैं, ये टाइप्स याद करनी है, याद रखना है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ठीक है। ये एंटीजन्स और ये वाला जो टेबल है ये आपने मस्ट याद करना है, ये SCQ MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और वाइवा में भी ये ज़रूर पूछते हैं। देन आपने ये बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है फॉर MCQs, ठीक है। ये MCQs के लिए आपने जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेना है। देन एग्लूटिनेशन ये आपने अच्छे से याद करना है एंड ये सारा आपने जो है ये अच्छे से याद करना है, और ये भी आपने ज़रूर आप याद करना है, ये भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन ये सारी सारा आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है MCQs के लिए, और MCQ के लिए आपने रिव्यू फिजियोलॉजी है वो आपने ज़रूर देखनी है, उससे MCQs आपने जो है वो सॉल्व करने हैं, और उसमें से जो है ऑलमोस्ट 10 MCQs जो है वो प्रॉफ में आते हैं ज़रूर, तो आपने अच्छे से करनी है। देन एग्लूटिनेशन प्रोसेस एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ये एक दफ़ा रीड थ्रू कर लेना है, इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर एग्लूटिनेशन क्या है और इसके बारे में ये पूछते हैं, इसका मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, ये टाइप्स अलील्स पूछते हैं, ये टेबल पूछा जाता है ज़्यादातर। देन आपने जो है ब्लड टाइपिंग ये भी एक दफ़ा बस रीड आउट करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो RH ब्लड टाइप्स है ये आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है, ये आपने सारा याद करना है। इसमें स्नैरियो बेस्ड ये क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है, ये स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। RH फैक्टर ये आपने ज़रूर याद करना है, और इस चैप्टर के जो UQs हैं प्लास्ट पेपर पे वो आपने ज़रूर करने हैं, और ये वाला पूरा टॉपिक आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। और ये RH इम्यून रिस्पॉन्स ये भी आपने अच्छे से याद करना है, ये भी आपने अच्छे से याद करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन BDS फर्स्ट ईयर, ठीक है, और MBBS में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिब्रोब्लास्ट विट्रियोलाइस जो है ये आपका इंपॉर्टेंट SCQ है, इसमें से MCQs भी बनते हैं और स्नैरियो बेस्ड ये SCQ भी बनता है, ये आपने ज़रूर याद करना है। देन ये आपने बस एक दफ़ा जो है वो रीड आउट कर लेना है, और ये भी ये वाला है मोस्टली इंपॉर्टेंट, हाँ ये वाला जो एरिथ्रोब्लास्ट विट्रियोलाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है, ये बहुत SCQ आता है, MCQs इससे बनते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इंफेसाइज इस पर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसकी ट्रीटमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारा यहाँ से रीड आउट करना है अच्छे तरीके से, और चाहे तो आपने अगर फिर डोज़ रखी हुई है पास तो आप फिर डोज से इसको जो है याद कर सकते हैं फॉर SCQ के कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए और MCQs के लिए आपने यहाँ से ज़रूर करना है इसको। देन प्रिवेंशन ये भी आपने SCQ के लिए और MCQ के लिए यहाँ से पूछनी है, क्योंकि वो सारा क्लिनिकल पे वो पूछते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और क्लिनिकल पिक्चर वो भी पूछते हैं, ठीक है, MCQs में भी आती है, SCQs में भी, एंड वाइवा क्वेश्चन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सारा यहाँ से एक दफ़ा इसका कंसेप्ट लेना है और इसको जो है वो एक दफ़ा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, और इसका स्नैरियो बेस भी आ सकता है जॉइंटलेस पे के जॉइंटलेस किस तरह से काज होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इससे क्या क्या इसकी काजेज़ क्या हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है, ट्रीटमेंट इसकी पूछी जाती है, ये आपने याद करनी है, इसमें से SCQ भी बनता है। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, इसमें से MCQ हर हाल में आता है, ठीक है, ये आपने ज़रूर याद करना है, इसमें से MCQs आते हैं, ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है, और याद आपने ये वाला जो टॉपिक है ये आपने फिर दोस्त से जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है, और